किन्नौर शहर में लगातार अपहरण व दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं एक मामला सामने आया है थाना विजयनगर का, जहां अपहरण कर दुष्कर्म किया गया और वह भी नाबालिग लड़की का। जी हां, इंदौर विजयनगर के एक नाबालिग को अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बच्चे के परिजनों को उसके गायब होने का पता चला तो परिवार ने विजयनगर पुलिस को मामले की जानकारी दी। घटना का पता चलने पर पुलिस ने बच्ची को ढूंढ निकाला और आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। वहीं एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी ने बताया कि कल शाम को 14 साल की बच्ची के परिजनों ने उसके लापता होने की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने तलाश कर उसके परिचित के यहाँ से बच्ची को बरामद किया। मेडिकल और जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया है। कल शाम को एक बालिका के परिजन थाना पहुंचे थे, जहाँ पर कि उन्होंने अपनी बच्ची की गुमने की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने रात में ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए बच्ची एक वहाँ पर घर के पास में ही एक परिचित था, वहाँ पर लड़की मिली, तो पुलिस ने उसके बाद लड़की को बरामद करके और एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और उसमें पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। सर, किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया, क्या घटना थी? पुलिस ने जो बच्ची है उसके परिजनों की रिपोर्ट पर उसका अपहरण और उसके साथ बलात्कार की धाराओं का समावेश किया है और इसमें आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कितनी बड़ी बच्ची थी और कब की घटना है ये? कल शाम को बालिका के परिजन आए थे और बच्ची की उम्र लगभग 14 साल बताई है जी। और आरोपी सर कितने साल? आरोपी बालिग है। क्या रहता है सर? आरोपी अभी वहीं आसपास कुछ काम करने के बारे में पता लगा है उसका। अभी आरोपी को गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है। सर, जिस तरीके से मतलब पीड़िता द्वारा मतलब परिवार द्वारा आरोप लगाए गए हैं, तो क्या उसमें मतलब आया है जांच में? क्या पाया गया सर? नहीं, क्या आरोप लगाया? मैं थोड़ा सर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मेडिकल में आया है, दुष्कर्म की धाराओं का समावेश किया है और बच्ची का मेडिकल भी कराया गया जी। सर, एक वीडियो